आपका पुनः स्वागत है। आज अपन क्लास 9 का टॉपिक नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भाग कर रहे हैं। 6 का पहला भाग हमने कल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। दूसरा भाग कह रहा है सभी 12 कोरों के लिए कितने टैप की आवश्यकता होगी। 12 कोरों के लिए कितने टैप की आवश्यकता होगी। देखिए इसके लिए 12 कोरों के लिए देखिए क्या होगा। एक कोर, कोर का मतलब क्या होता है, यवन। कितने, 2, 3, 4, मतलब 4L 4B 4H, 4 पॉइंट हो गए एक में, तो 4L + 4B + 4H, 4 कॉमन ले लूँ मैं, L + B + H। अब उसकी लंबाई थी आपके 30, 25, 25, 30 चौड़ाई थी 25 और ऊंचाई भी थी 25। देखिए 4, 25, 25, 50, 60, 70, 80 80 हो गए, 25, 25, 50, 60, 70, 80, 8×6=32, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर टैप की आवश्यकता होगी। 320 सेंटीमीटर स्क्वायर टैप की आवश्यकता होगी। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डब्बे के बनाने का ऑर्डर दे रहा। 2 मापों के डब्बों की आवश्यकता है। बड़े डिब्बे का माप, 2 डब्बे बनाने हैं, मिठाई की दुकान खोल रहा है, उसको मिठाई के पैक करने के लिए बॉक्स चाहिए। उस बॉक्स में 2 तरह के बॉक्स बनवा रहा है। वो क्या कर रहा है, बड़े डिब्बे का माप, बड़े डिब्बे का माप मतलब उसका कैसे होता है, घना भाग। तो नाप में क्या होगा, LBH। L कह रहा है 25, 20, 5 सेंटीमीटर। बड़े डिब्बे के माप क्या है, 25, 20 और 5। इसी तरह छोटे डिब्बे का माप, दो पंजा 10,
सिक्का एक, दो दुनी चार, चार एक पाँच, सात दुनी चौदह, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 1450 का अति व्यापक था ओवरलॉक्स। ओवरलॉक्स में कितना परसेंट लग रहा है? 5%। किसका? 1450 का 5%। 5% परसेंटेज करके लग जाएगा 100। जीरो से जीरो काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 145/2। 145/2 कितनी बार गया? 7 बार। 7 दूनी 14 कितनी बार गया? 2 बार। 7 2 दूनी 4 कितना बच गया? 1। कितनी गया? 5 सेंटीमीटर। तो गत्ते का कुल क्षेत्रफल, एक गत्ते का कुल क्षेत्रफल कितना था? 1450। और 5% ओवरलॉक करने पर कितना एक्स्ट्रा मार्क बना? 72.5। कितना एक्स्ट्रा बना? 72.5। जोड़ा इसमें 0.5 का 0.5, देखिए 2 7 5 12 ऐसा लगी 1, कितने हो गए? 5, और कितने हो गए? 1। 1522.5 1450 में 72 जुड़े, 2 7 5 12 5, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आया? एक डिब्बे का। कितना आया? एक डिब्बे। और कितने डिब्बे बढ़ाए? 250 डिब्बे बढ़ाए। 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, एक का आ रखा है अधिक का पूछे, 150 डिब्बों का क्षेत्रफल, 150 250 डिब्बों का, एक का कितना आया? 1522.5 × 250 × 250। इसका पॉइंट हटाया, आया 10, जीरो से जीरो कट गया। अब आ रहे 15225। 15225 को गुणा करना है 25 से, 25 हासिल के 2, 5 × 10 10 × 2 12 हासिल का 1, 5 × 10 = 11 हासिल लगी 1, 25 × 1 = 26 हासिल लगी 2, 5 एकम 5 5 × 2 7। अब वापस 2 से, 2 × 5 = 10 हासिल लगी 1, 2 × 4 = 5 2 × 4 5 × 10 हासिल का 1, 2 एकम 2 = 3 कितना आया? 5 2 6 10 8 3। यह आया आपका, इसका क्षेत्रफल आया 38,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया? 250 बड़े गत्तों का क्षेत्रफल। किसके चलते थे? बड़े गत्तों का, 250 बड़े गत्तों का क्षेत्रफल आया 38,625। इसी तरह अब देखिए छोटे डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 2 × LBBHHL, यही फॉर्मूला लगेगा। 2 × L कितना है? 15 12, 15 × 12 + 12 × 5 + 5 × 15, 5 × 15। ये आया छोटे डिब्बे का। देखिए 2 12 × 60 असल लगी 6, 12 × 12 = 18 180, 12 × 60 और 15 × 45 15 × 60 15 × 75 15 × 75। अब जोड़े 0 0 5 5 6 7 13 13 8 13 8 21 असल लगी 2, 315। कितना है? 315 गुणा किया 5 × 10 हासिल का 1, 2 एकम 2 हासिल लगी 1, 3 और 3 × 6 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका कितना परसेंट ओवरलॉक है? 5% ओवरलॉक्स। अतिव्याप्तता कितनी है? 5%। 630 का 5%, 0 से 0, 5 एकम 5 5 × 10 63/2 3 × 6 3 एकम 3
एक डिब्बे का कुल क्षेत्रफल 630 प्लस 31.5 तो कितना आया 0.5। एक 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, एक डिब्बे का। हमारे पास कुल कितने डिब्बे, 250 डिब्बे बनाने हैं, तो 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आया 661.5 इंटू 250, हटाया पॉइंट नीचे आया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6615 को गुणा किया 25 से, 25 हंसे लगी 2, 5 एकम 5, 5 दो 7, 5 अंक 30 हंसे लगी 3, 5 अंक 30 30 3 33। अब करें 2 से 5 दुनी 10 हंसे का 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 6 दुनी 12 और 1 13, 5 7 3 5 6, 165375, 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कितने आ रहे हैं, 380625 में जोड़ा 573561, 5 5 10 हासिल का 1, 7 3 10 हासिल का 1, 6 3 9 10 हासिल का 1, 6 6 12 2 14 हासिल का 1, कितने बन गए 415 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वो आगे कह रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपए लग रहा है, 4 रुपए, कितना लग रहा है 4 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा 4/1000, 4/1000 रुपए, कितने लगेंगे 4/1000 रुपए, और हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब पड़ा है 5,54,06,000 या 54,06,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो जाएगा 4/1000 इंटू 1 का ध्यान अधिक का पूछते तो क्या करते हैं गुणा, 3 0 से 3 0 कट गए आ रहे हैं 546 इंटू 4, 6 6 24 हंसे लगी 2, 4 4 16 16 2 18 हंसे लगी 1, 20 और 1 21, 2184 रुपये में बड़े वे छोटे बॉक्स दोनों बनकर तैयार हो जाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान तिरपाल। देखिए परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए क्या करते हैं, धूप लगती है कार तो कार को खड़ी करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक तिरपाल की व्यवस्था करते हैं जो उसके चारों तरफ उसको ढक ले, तिरपाल की व्यवस्था करते हैं, तो परवीन भी ऐसा ही चाहती है जो कार के चारों ओर से ऊपर से ढक ले। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगे तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण है, एक्स्ट्रा नहीं, उसमें एक्स्ट्रा 5% मांग रहे थे, इसमें कुछ नहीं मानना है, नगण्य मान रहे हैं, तो आधार लंबाई 4, देखिए आधार यानी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई है 2.5 मीटर है वाले इस ढांचे को बनाने कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। देखिए भाई अब इसमें ये ऐसी आकृति बना रहे हैं तिरपाल, ये इसके ऊपर ढक रहे हैं, इसका मतलब जमीन का कोई यूज नहीं, जमीन पे तो कार खड़ी है तो इसके ऊपर तो कपड़ा लग नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3 और 4 दीवारें प्लस छत,
क्योंकि ये फर्श छूट रहा है, संपूर्ण घनापन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये दीवार फर्श पर खड़ी है, इस पे तो तिरपाल बिछा नहीं है, तिरपाल तो इस तरफ लगा है चारों तरफ, तो चार दीवारें प्लस छत वाला फॉर्मूला लगेगा सॉल्यूशन में। चार दीवारें प्लस छत, चार दीवारें प्लस छत, क्यों? क्योंकि फर्श में तिरपाल नहीं बिछा है, कार के ऊपर तिरपाल लगा है। तो चार दीवारों का फॉर्मूला आता है 2 × L + B × H + LB, 2 × L + B × H + LB, 2, L कितना है 4, प्लस B कितना है 3, H कितना है 2.5, प्लस L × B 4 × 3। देखिए 2 × 3 = 7, 7 × 2.5 प्लस 3 = 12, 7 × 14, 14 × 2.5 प्लस 12, इसका फॉर्मूला आया कितना है 10, 5 से काट दे, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 2 से काटा 7, 7 × 5, 7 × 35 प्लस 12, 7 × 35 प्लस 12, 5 × 2 = 7, 3 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। कार को ढकने के लिए 47 सेंटीमीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगी। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 13.1 का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।